हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपकी विशेस पूरी होंगी। जो भी आपकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, क्या वो चीज़ जो है, वो विश जो है, वो आपकी पूरी होगी या नहीं होगी। सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। वी हैव कार्ड नंबर वन इज़ स्टेइंग फोकस्ड। कार्ड नंबर वन, स्टेइंग फोकस्ड। एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज सरेंडरिंग टू द जर्नी। सो जो भी कार्ड इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं। एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर वन। हाई गाइज, ग्रुप नंबर वन, सो आपने चूज करा है स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। और यहाँ पे जो पर्सन है, ये काफ़ी फोकस के साथ एक ही पॉइंट पे देखे जा रहा है। इट मीन्स डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि जो भी टास्क या जो भी आपका काम आप कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है, उस पर आपको पूरा फोकस लगाना है। ये नहीं कि कभी मैनिफेस्ट करा, कभी नहीं करा, ठीक है, कभी पॉजिटिव हो गए, कभी नेगेटिव हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी डिज़ायर है, एक्चुअली आपको उस पर पॉजिटिवली फोकस करना है और उस पर वर्क करना है। बाकी जो रिजल्ट है वो आपको डिवाइन देंगे कि वो आपकी विश पूरी करते हैं, नहीं करते हैं, कब तक करते हैं। बट डिवाइन इज टेलिंग यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर विश। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्विकली कि आपकी विश है क्या। एक हम कॉमन एनर्जी के थ्रू लेट्स सी कि क्या विश है ग्रुप नंबर वन की। विशेस, क्या विश मांग रहे हो आप ग्रुप नंबर वन? पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, हैव द मून। आप मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। जैसे इमोशनली आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया, या आप में से काफ़ी लोग शायद डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे फेज में भी हो सकते हैं इस वक्त, कि आप लोगों से कट ऑफ हो चुके हो और आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हो, चाहे लोग बोलते रहें, कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचें, अब आपको उस चीज़ से इतना कोई मैटर या फ़र्क पड़ता नहीं है। और आप अपने एक अकेले एक जोन में चले गए हो, जहाँ पे यू ना आप बहुत अकेला महसूस करने लग गए हो, जहाँ पे आप इतनी बातें आप शेयर करना पसंद नहीं करते हो किसी से, बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो थकान है, आप थके हुए से रहने लग गए हो, चाहे फिजिकली, मेंटली या इमोशनली, एज इफ कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, काम का हो सकता है, इमोशंस का बर्डन, मेंटल बर्डन, राइट? सो आप में से काफ़ी लोग यही चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओ और आप खुश रहो। बेसिकली आप में से काफ़ी लोग अपनी खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एज ए क्या आप लोग भूल गए होगी खुश कैसे रहना है, कैसे, खुशी क्या होती है, आप खुशी ही भूल गए। खुशी भी कोई चीज़ होती है। सो यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ ग्रुप नंबर वन। और आपके लाइफ में जो भी ये बर्डन चल रहा है, जो आप बोझा उठा के इतना चल रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ बातों का, कुछ रिग्रेट्स का, कुछ लोगों का, आप उस सबसे फ्री होना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक होप चाहते हो, एज इफ कि यू नो यू रियली वॉन्टिंग समवन, कि कोई आए आपकी लाइफ में और आपको इस सबसे बाहर निकाल दे, या कुछ ऐसा मैजिक होगी आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, आप ये चीज़ चाह रहे हो। और आई थिंक आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको इतना समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। और आप में से काफ़ी लोग एक नया ऑफर चाह रहे हो, स्पेशली लाइक एक करियर वाइज, एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हो, आपकी करियर वाइज कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपको और आप इस सब जो मेस चल रहा है इस सबसे आप बाहर निकलो। आप में से कुछ लोग एक अच्छा पर्सन जा रहे हैं जो कि आपको इस चीज़ से जो है बाहर निकाले। और आप में से काफ़ी लोग ना एक पीस चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कि मुझे पीस चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे शांति चाहिए मेरी ज़िंदगी में, यू नो यू यू रियली वॉन्टिंग दैट। और आप में से काफ़ी लोग शायद अपने आपको इस एंगजाइटी और इस डिप्रेशन वाले फेज से भी निकालना चाह रहे हो, और आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं, या आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, उस वजह से आप परेशान हो। तो आपको बेसिकली एक ऑफर चाहिए, एक कॉन्टैक्ट चाहिए उस पार्टनर की साइड से, या आप एक न्यू पर्सन चाहिए आपको, या एक नया आपको जॉब चाहिए, बट
आप में उम्मीद है बट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो इस टाइम. ओके, अब हम देखते हैं कि जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी या नहीं होगी. ग्रुप नंबर वन, लेट्स सी. ग्रुप नंबर वन की विशेस कब पूरी होंगी? वी आर द डेविल कार्ड, ईगो कार्ड. वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स. वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स. We have the lovers. We have seven of wands. आपको फाइट तो बहुत करना पड़ेगा, राइट? पर आप इस तरह से अब नहीं रह सकते. जिस तरह से आप अभी जी रहे हो ना, आपको अपना थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा लाइफ से डील करने का, राइट? आई फील कि आप ना बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, एज इफ कि अगर आप किसी जोन में चले गए तो बस आप वहाँ चले गए, फिर वहाँ से आपको बाहर निकालना इज़ लाइक इम्पॉसिबल. ओके, अब बहुत मुश्किल है आप उस फेज से बाहर निकल के आ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर आप चले गए एक एंगजाइटी वाले जोन में या डिप्रेशन के जोन में, तो आप वहाँ चले ही गए. अगर आप चले गए हो एक लेजीनेस के जोन में, तो आप फिर यू नो यू विल कंटिन्यू टू बी लेजी. सो बहुत ज़्यादा आप ना, एक तो इस तरह से है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है बट आई थिंक आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव क्वालिटीज़. हर इंसान में नेगेटिव क्वालिटी होती है, आप में भी है कुछ. कुछ लोगों में ईगो है, कुछ लोगों में डिपेंडेंसी है. तो आपको सबसे पहले तो उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस बन रही है आपकी लाइफ में इस चीज़ को अचीव करने में. दूसरा ये है कि हाँ, लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको शायद नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, चाहे नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, चाहे आपका अच्छा नहीं चाहते हो, या लोग जनरली आपके अगेंस्ट हैं, या आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, या बाहर के लोग आपके अगेंस्ट हैं. कुछ भी रीज़न है बट आपको इस चैलेंज को तो फेस करना ही पड़ेगा. आपको अपना स्ट्रांग रहना पड़ेगा और स्ट्रांग जो हुआ वो इमोशनल रह के नहीं बन सकते. आपको थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा. जस्ट लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपको एज अ विनर बनना है तो यू हैव टू बी स्टार्ट बींग प्रैक्टिकल. ओके, और आपकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है ना, कि आप दो नाव पे पैर रख के चल रहे हो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इससे ही बात कर लूँ, मैं उससे ही बात कर लूँ, आपको बिल्कुल ये चीज़ तो एंड करनी है अपनी ज़िंदगी में कि आप ये ना ये इस फेज में ना रहो. ब्रिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ कि आपको आखिर चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में. आप शायद कोई काम शुरू करते हो बट उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, सही है या गलत है. अगर आप सही गलत तोलने बैठ जाओगे तो वो काम होता ही नहीं है और वो टाइम निकल जाता है. वो सबसे पहले तो आपको स्ट्रांग बनना है, दूसरी बात आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है. ओके, थोड़ा सा मेंटली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा. आपकी लाइफ में सक्सेस है बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे. आपकी वो विश जो है वो डेफिनेटली पूरी होगी. यहाँ पे लवर्स कार्ड भी आया है आपके लिए, विच इज़ दिखा रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी. आपका यूनियन हो जाएगा, आपकी लाइफ में अच्छे पार्टनर आएंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी. लेकिन यहाँ पे फाइट बहुत है. यहाँ पे यू नो एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा. अभी आप हो लो फ्रीक्वेंसी जोन में आप ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ पे नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा है. आपको ना वहाँ से निकलना है, आपको कन्फ्यूजन छोड़ना है और आपको ये सोचना है कि आपको अंदर से वो लाना है एनर्जी की मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ कि ये मैं काम कैसे नहीं करती या क्या चीज़ इम्पॉसिबल है मेरे लिए. आपको बिल्कुल इस तरह से, आप बहुत इंटेलिजेंट हो बट आप अपनी वो इंटेलिजेंस जो है वो पहचान नहीं पा रहे हो. आपकी विश गाइस डेफिनेटली पूरी होगी. लाइक आई फील दैट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है आपकी विश पूरी होगी बट आपको बिल्कुल वो स्ट्रांग नेचर जो है वो आपको अपना रखना पड़ेगा. आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है. ग्रुप नंबर वन और देखेंगे आपकी विश के लिए. पीस, आई टोल्ड यू कि आपकी विश शायद एक पीस है, पीस ऑफ माइंड.
यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फ्यूल्ड बाय ड्रामा डजन मीन यू हैव टू अटेंड द परफॉर्मेंस, मेक योर लाइफ अ ड्रामा फ्री जोन। एग्जैक्टली, आपको अपनी लाइफ को ड्रामा से फ्री करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं आपकी लाइफ में जो भी आपका ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके मज़े ले रहे हैं, जिनको मज़े आ रहे हैं आपको इस सिचुएशन में देख के। आपको अपने आप को इस सैडनेस वाले फेस से निकालना है। आई थिंक जब किसी को मज़ा आता है हमें परेशान करने में या दुखी देखने में, तो उसका जवाब ये नहीं है कि आप उसको पलट के जवाब दो, पलट के उसको आप कोई दुख दो। उसका जवाब ये कि आप उसके सामने खुश रहो, तो वो और जलेंगे कि ये इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है बट स्टिल ये खुश कैसे है। तो यही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। तो आपको अगर लाइफ में पीस चाहिए, तो आपको अपने आप को सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको नेगेटिव बना रही है या नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन, आपको अपने आप को वहाँ से कट करना पड़ेगा, वरना आपकी लाइफ में पीस आ नहीं पाएगा। जो आप अंदर से परेशान रह रहे हो, आपको अपने आप को वहाँ से पहले कट करना पड़ेगा। देन वी हैव इज एनर्जी। स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरी वन, एवरी वन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सबको प्लीज करना बंद कर दो। आप शायद सबको प्लीज करने में लगे हुए हो कि मैं उसको भी खुश कर लूँ, मैं उसको भी खुश कर लूँ, मैं खुद को भी खुश कर लूँ, मैं यहाँ भी जाऊँ, मैं वहाँ भी जाऊँ, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सबको खुश नहीं कर सकते हो, आप दुनिया का भी खुश नहीं हो सकती। आप अपने अपनी एनर्जी अपने पे लगाओ, अपने डाइट पे, अपने ऊपर, अपने लुक्स पे, अपने काम पे, इस पे लगाओ ओके कि आपके लिए क्या सही है। नाउ इट्स टाइम टू बी सेल्फिश। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि आपके लिए क्या सही है, आप कब तक दूसरों के लिए जियोगे। तो आप जब लाइफ में ये चेंजेस लेके आओगे अपनी, तो आपकी वो विश जो है वो पूरी होगी। आई थिंक आप अपना पूरा फोकस खुद पे नहीं लगा रहे हो अभी। और देखते हैं ग्रुप नंबर वन। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। क्राउन, और क्राउन दूसरा क्राउन आया है आपके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पिक्चर में भी क्राउन बना हुआ था वो रहा। ओके, सो क्राउन, वी हैव टू क्राउन फॉर यू। सो यस, ऑनर और रिस्पेक्ट जो है वो आपको मिलेगी। आपको सक्सेस मिलेगी, आप जो भी चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिलेगी। और बहुत, और वो जो विश आप मांग रहे हो ना, एक्चुअली वो ही वो विश है जो आपको लाइफ में रिस्पेक्ट दिलाएगी। बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को निग्लेक्ट कर रहे हो, या आपका ध्यान दूसरी जगहों पर है। आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और देखते हैं हम आपके लिए। देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। सो काफ़ी लोग आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट करने आपके लिए। ओके, प्रॉब्लम के टाइम पे तो कोई नहीं होगा, लेकिन जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट भी देंगे आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप खुश रहना शुरू कर दोगे ना, तो आपको वैसे ही कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप दुखी हो, अभी आप डिप्रेस जोन में हो, अभी आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपका जो लाइफ का जो ऑरा है वो लो हो रहा है, तो आपको लोग कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे रहे हैं आजकल। सो आप कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ के साथ, राइट? आप खुश रहो, आप अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होंगी वो चीज़ें। देन क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। यस, देखो सक्सेस तो मिलेगी, आपकी विश तो पूरी होगी, पक्का पूरी होगी, और आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। बड़ी जो बीच के जो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपका जो फोकस है उस पे ध्यान रखो। एडवाइस देखते हैं फॉर यू। ओके, वी हैव यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, ड्रैगन फ्लाई। यस, आप एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं आपकी वो जो पॉजिटिविटी है, वो लाइट है, वो छुप गई है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या ऑफ बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल। सो आप अपनी वो लाइट जो हो वो बाहर लेके आओ फिर से, बिकॉज आप खुश होते हो तो दुनिया खुश होती है, राइट? तो आपको बिल्कुल ऐसे बनना है। देन वी हैव फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ ऑन टारगेट। सो अगर आपको वो चीज़ चाहिए, तो अपना आइडियल लाइफ पाथ फॉलो करो, अपने जो लक्ष्य है उससे भटको मत। जो भी आपका ड्रीम है उस पे ऊपर आप अपना जी जान लगा दो, और अपना जो भी आपको पता है कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, वो हमारे सोल को सब पता होता है, तो उस चीज़ को सही करो और लाइफ में आगे बढ़ो, और वो चीज़ आपको पक्का मिलेगी, राइट? अपने आप में चेंजेस लेके आओ, तो ये चीज़ आप पक्का मैनिफेस्ट कर लोगे बहुत ही जल्द अपनी लाइफ में।
ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग, ग्रुप नंबर 1, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2 आपने चूज़ करा है सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। सो यस, डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आपकी विश है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जितना सरेंडर कर दोगे डिवाइन के ऊपर, उतनी ही जल्दी वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोल नेचर रहा है आपका, कि आपने अपने हिसाब से उसको सेट करना चाहा कि मुझे इतने टाइम में वो चीज़ चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए। सो आपको ये चीज़, ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। आपको सब कुछ सरेंडर कर देना है डिवाइन के ऊपर। अब वो उनके ऊपर है कि वो कब आपकी विश पूरी करते हैं, किस तरह से करते हैं, राइट? सो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा डिवाइन के ऊपर और अपनी जर्नी को इन्जॉय करना पड़ेगा। ओके ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्विकली देखते हैं कि आपकी विश है क्या। वॉट इज योर विश ग्रुप नंबर 2? वी हैव द हाई प्रीस्टेस। The moon, the hermit, तीनों major arcana, चारों major arcana, the fool. Okay, आप बहुत ज़्यादा spiritual लोग हो group number 2, बहुत ज़्यादा spiritual, इंट्यूटिव, साइकिक एंड इमोशनल। और ऐसे लोग हो आप लोग जिनको अकेले रहना पसंद है, जिनको अपनी चीज़ें बताना पसंद नहीं है, बिकॉज आपको डर लगता है कि अगर आप कुछ बता दोगे किसी को तो उस पर नज़र लग जाएगी, या फिर आप जनरली, आपका नेचर ऐसा है कि आपको नहीं पसंद है दूसरों के साथ शेयर करना। लाइक आप कुछ कर भी रहे हो लाइफ में, कुछ गोल पे वर्क कर रहे हो, तो आपको दुनिया भर को बताना पसंद नहीं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप ये आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है। यू नो, यू डोंट लाइक टू शेयर थिंग्स विद पीपल। आप उसको अपने तक रखते हो सीक्रेट, एंड यू फील कि जब टाइम राइट आएगा, जब आपका काम हो जाएगा, तब आप बताओगे दूसरों को। सो आपका यही है अभी, आपका ऐसा ही सोच है अभी आपकी इस टाइम। दूसरी बात ये कि आप चीज़ें भी इतना शेयर नहीं करते हो, लाइक आप आधी बातें बताते हो लोगों को, आधी नहीं, बिकॉज यू फील कि कोई मतलब नहीं है बताने का, राइट? तो इस तरह का आपका नेचर है। बेसिकली आपका जो विश है वो इस तरह का विश है कि आप वो जो विश है आप उस पर सीक्रेटली वर्क कर रहे हो, एंड यू वॉन्ट सक्सेस इन दैट। जैसे कि यहाँ पे तीनों कार्ड आए एकदम सीक्रेट वर्क, जैसे रात का जो कार्ड आए कि आप रात को भी उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हो, रात को भी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड यहाँ पे सडनली रोशनी है। सो यू वॉन्ट कि बिग सक्सेस मिल जाए आपको, जो भी आपने ये रातें काटी हैं इस तरह से परेशान होके, या फिर इतना मेहनत करी है आपने, आपको उस चीज़ का एक बिग रिजल्ट चाहिए। अब चाहे आपने ये जो एफर्ट है रिलेशनशिप पे लगाया है, चाहे करियर पे लगाया है, चाहे खुद पे लगाया है, बट यू वॉन्ट, आपको पता है कि ये जो मेहनत आप कर रहे हो इस चीज़ पे, चाहे दूसरे आपको ताने भी मार रहे हैं, चाहे चाहे कुछ भी बोल रहे हैं आपको, राइट? तो आपको पता है कि ये चीज़ जो है आपको फ्रीडम दिलाएगी लाइफ में, ये चीज़ आपको फ्री कर देगी सारे बंधनों से, सारी नेगेटिविटी से, आपकी लाइफ में ये चीज़ एक पॉजिटिविटी लेके आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हो इस जो भी आप चीज़ अचीव करना चाहते हो, जो विश है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हो, आप काफ़ी डिवाइनली कनेक्टेड हो चुके हो, राइट? काफ़ी मैच्योर भी हो चुके हो। सो आपकी विश यहाँ पे कुछ भी है, चाहे लव है, चाहे करियर है, द थिंग इज कि आप सीक्रेटिव हो, आपको भरोसा है डिवाइन के ऊपर कि वो आपको ये चीज़ देंगे, आपकी विश पूरी करेंगे, ठीक है? और आपको यही पता है कि जब ये विश पूरी होगी तो दैट विल बी लाइक द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, और वो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, बिकॉज यहाँ पे कार्ड नंबर 0 है, द फूल। सो एक ज़ीरो से अपनी कहानी फिर से लिखना, और एक नए सिरे से, वो आपको पता है। सो काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो गाइज, आई मीन आप ऐसे काफ़ी लोग बहुत अच्छे हीलर्स हैं, या फिर बहुत अच्छे साइकिक्स हैं, ऐसी वाइब आ रही है मेरे को। चलिए देखते हैं गाइज कि क्या आपकी विश पूरी होगी और आपकी विश कब तक पूरी होगी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 वालों की विश कब तक पूरी होगी। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी
वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, we have three of pentacles, we have the sun. see यहाँ पे फूल कार्ड में भी द सन, एक सन बना हुआ था यहाँ पे, और आपको इसी सन का तो इंतज़ार है. जो भी अंधेरे में चल रही है आपकी लाइफ, आपको इसी सन का तो वेट है. टेन ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, येस गाइज, आपकी विश, एंड बॉटम से आया व्हील ऑफ फॉर्चून. येस गाइज, आपकी विश डेफिनेटली 110% जो है वो पूरी होगी. आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, लाइक आप जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो. अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको शेयर नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें लोगों से, तो आप नहीं कर रहे, आप सही कर रहे हो. आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल होके आपको हेल्प मिलती है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो. बट ये जो भी आपकी विश है ये बिल्कुल बिल्कुल पूरी होने वाली है. कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स में, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स में, ओके. बट विद इन लाइक 9 to 10 मंथ्स ये जो विश है ये आपकी पूरी हो चुकी होगी विद इन, ओके. अब कम से कम तो 1 महीने में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइन टाइमिंग, राइट. और ये विश जो है ना आपकी, जिन लोगों की विश विश स्पेशली करियर से रिलेटेड है, सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की, तो ये विश जो होगी ये आपको लाइफ में दिलाएगी रिकॉग्निशन, लोग आपको पहचानेंगे. अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आप यूज़ करने से आप डर रहे हो, बट ये टैलेंट आपको बहुत आगे लेके जाएगा लाइफ में, और लोग आपसे कोलैबोरेट भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके पास पैसा भी आएगा, ठीक है. और कहीं ना कहीं आप आगे जाके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हो. आपको पता है कि कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पैसे खर्च नहीं करने हैं, राइट. और अगर आपकी विश है शादी करने की, यू नो, टू यू जस्ट वॉन्ट अ ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ, तो वो भी आपकी विश पूरी होगी. आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, ओके. एंड बहुत ही अच्छी प्यार भरी लाइफ आपकी गुजरेगी इस पार्टनर के साथ, जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर हैं अभी या नए आने वाले हैं, बट आपकी शादी होगी, बिल्कुल होगी. एंड रिलेशनशिप वाइज जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी. एंड द सन कार्ड आ गया है तो मतलब एवरीथिंग. सन कार्ड इज लाइक यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सक्सेस, रिकॉग्निशन, एंथुजियाज्म. सो सन कार्ड कवर्स अप एवरीथिंग. कि हाँ, सन मतलब कि आपकी शादी भी अच्छी है, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, आपके करियर, जॉब, सब कुछ अच्छा है. बट ये विश जो है, जो भी आपकी विश है गाइज, आपका जो लाइफ पाथ है ना, ये आपको बहुत आगे सक्सेसफुल बनाएगा. आप अकेले रह रहे हो ना अभी, उतने ही लोग भी आपके पीछे पीछे भागेंगे जो आपको सक्सेस मिलेगी, जो आपका एक पर्सनालिटी बनेगी आगे जाके, ओके. एंड आई फील आप जो भी एक्शन ले रहे हो, आपका भी क्रिएटिव बनने वाले हो आगे जाके. आई फील कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, और आप पैसे भी कमाओगे, आपकी लाइफ में प्यार की भी कोई कमी नहीं रहेगी. सो येस, यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी, ग्रुप नंबर 2. सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए. मैं और देखती हूँ आपकी विश के लिए कुछ कार्ड्स. अथेंटिसिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड. एग्जैक्टली, लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचना, आपके लिए एडवाइस ही है. लोगों के बारे में मत सोचना, लोग भीड़ चाल में कहाँ चल रहे हैं वो उनको जाने दो. आप अलग हो, आपकी अलग पहचान है, आपकी अलग आपका लाइफ पाथ है, आपकी अलग आपकी सोच है, राइट. सो बस उस पर ट्रस्ट करना, उस पर हमेशा उससे प्राउड रखना. देन वी हैव रिचुअल्स. स्टडी योर सेल्फ विद सिंपल रिचुअल. डू डिशेज, फोल्ड लॉन्ड्री, व्हाट आर द प्लान्स, मेक कप ऑफ टी, लेट विजडम स्नीक अप ऑन यू. सो अपने लिए जो आपको खुशी मिलती है वो चीज़ें भी करो. ऐसे नहीं कि अपने आपको परेशान करके रखो हमेशा कि ये विश विश विश, वो तो पूरी होनी है आपकी, राइट. बट अपने लिए भी कुछ जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, कि भाई पेड़ों को पानी डालना, अपने कप चाय बनाना, राइट. इस तरह के कुछ छोटे छोटे टास्क हैं, ये आपको मेंटली थोड़े से रिलैक्स रखेंगे कि आपने हाँ खुद के लिए कुछ करा है, कोई टास्क करा है अपने लाइफ में, जस्ट फॉर कि आप एक्टिव रहो, राइट. और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए. वी हैव वेल्थ. यस, पैसे बहुत आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आगे काफी अर्न करोगे.
भैया वर्क अचीवमेंट सक्सेस, यस आपको सक्सेस मिलेगी, आप अचीव करोगे, आपके काम को सराहा जाएगा और आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। बस मेहनत करना कम मत करना। लव, सो लव भी आपकी लाइफ में आ रहा है और प्यार भी, पैसा भी, सक्सेस भी। तो आपकी लाइफ में बेसिकली आप काफ़ी लकी होने वाले हो। बेसिकली योर गेटिंग द सन, द सन वाली हैप्पीनेस, जहाँ पे आपको सब कुछ ओवरऑल आपकी लाइफ में, जो भी आप अकेले आप जितना रह रहे हो, जितना आप तपस्या कर रहे हो, जितना आप अपने आप को अभी रात को जगा के भी आप पढ़ रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रह रहे हो, अंधेरे में रह रहे हो, उतनी ही ज़्यादा आपको रोशनी देखने को मिलेगी लाइफ में आगे जाके। सो लगे रहो, बट नेगेटिव मत होना बिल्कुल भी। एडवाइस, ग्रुप नंबर टू के लिए एडवाइस है, स्पिरिट हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। सो आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ हैं एंड आप कभी अकेले नहीं हो। तो मैंने कहा था कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके साथ हैं। आप भले ही उन्हें देख नहीं पा रहे हो, बट वो हैं। देन वी हैव इज हैप्पी लव, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। सो लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे भी लव आया है, यहाँ पे लव एंड टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था आपके लिए, तो लव वाइज बहुत इंप्रूवमेंट है। आपकी मैरिड लाइफ में है तो आपके रिलेशनशिप में है, सो प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। एंड एक नया लव भी आ सकता है, अगर आप लोग सिंगल हो तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप में, खुश हो गए आप, राइट। सो हर तरह से आपको डिवाइन जितना आपसे लिया है, जितना आपको वेट करवाया है, उससे ज़्यादा वो आपको देंगे आगे लाइफ में। सो बस ट्रस्ट रखो और मेहनत करो और डेफिनेटली यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस। ओके गाइस, सो ग्रुप नंबर टू ये है आपकी रीडिंग। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।